हमारे जीवन में हम जिन लोगों के ऊपर निर्भर हैं, हमें लगता है कि उनके बिना हमारी जिंदगी रुक सी जाएगी, या हमारे ऊपर जो लोग निर्भर हैं, हमें लगता है कि उनकी जिंदगी भी हमारे बिना थम सी जाएगी। क्या ये सच है? अगर ऐसा होता, बॉर्डर पर अपने जवान बेटे के शहीद होने पर माता पिता जी नहीं पाते, या अनाथ बच्चे बड़े नहीं हो पाते। किसी के लिए जिंदगी कभी रुकती नहीं। अगर हमें लगता है कि किसी के बिना जिंदगी थम सी जाएगी, पर ये सच नहीं है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, इट्स योर सुभाश्री। वेलकम टू 10th एपिसोड ऑफ वेंसडे स्टोरीज विद सुभाश्री। एक गांव में अरुण नाम का एक आदमी था। उसकी एक छोटी सी चार जन की फैमिली थी। उसकी बीवी, उसकी एक बेटी और उसका बेटा। और उसके माता पिता गुजर गए थे। अरुण की बीवी हाउसवाइफ थी, उसकी बेटी की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और बेटे का हाई स्कूल में पढ़ाई चल रहा था। अरुण का छोटा मोटा बिजनेस था, उससे आए पैसों से उसका परिवार चलता था। सब कुछ तो ठीक था, पर अरुण के दिमाग में एक ही चीज था, एक ही घमंड था कि उसके बिना उसके परिवार वाले सब सड़कों पर आ जाएंगे। होता भी कैसे नहीं, सब उसके ऊपर निर्भर जो थे। उनके गांव की चोटी पर एक बाबा जी रहते थे। हर शाम बाबा जी वहां पे प्रवचन देते थे। एक दिन अरुण वहां पे प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गया। बाबा जी उस दिन समझा रहे थे कि किसी के लिए जिंदगी कभी रुकती नहीं। हमारी जीवन रेलगाड़ी जैसी है, कभी किसी के लिए रुकती नहीं। कुछ लोगों को लेके चलती तो है और कुछ लोगों को उतारती है। प्रवचन खत्म होने के बाद अरुण बाबा जी के पास गया और उन्हें बोला, आज प्रवचन में बाबा जी आपने जो बोला वो सच नहीं है, बस एक झूठी सी दिलासा है। मेरे परिवार को ही ले लीजिए, वो कैसे रहेंगे मेरे बिना, उनको पालेगा कौन, वो तो कुछ नहीं करते, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। ये सुनकर बाबा जी बोले, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? एक काम कर, मेरा और एक आश्रम है, वहां पर चला जा। 2-3 साल के लिए यहाँ पे लौट के मत आ, तो देखना क्या होता है। तू बस यहाँ की चिंता छोड़ दे, तू बस वहां पर जाके शांति से रहे, यहाँ पर जो होगा देखा जाएगा। अरुण बोला, अगर मैं चला जाऊंगा यहाँ की हालात बहुत खराब हो जाएंगे, मेरा परिवार बिखर जाएगा। बाबा जी बोले, बस तू जा, तू चिंता मत कर, सब सही होगा। आज नहीं तो कल उन्हें तेरे बिना रहना ही है, अभी क्यों नहीं। उनकी बात मानकर अरुण चला गया दूसरे आश्रम को, जो कि बहुत दूर था। बाबा जी उस रात सबको ये बोलने लगे कि मेरे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा बाघ आकर अरुण को ले गया। जब उसके परिवार वालों को पता चला, वो बहुत बड़े सदमे में चले गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी साधारण सी जिंदगी में इतनी बड़ी हादसा हो सकती है। उस सदमे से निकलने के लिए उनको बहुत टाइम लगा। अरुण की बीवी को पता था कि अब उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार, अपनी बेटी की शादी और बेटे का पढ़ाई, ये सब कुछ। तो उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया, जो कि उसने शादी से पहले सीखा था, अब वो फुल टाइम करने लगी। और बेटी घर का काम करके सपोर्ट कर रही थी और बेटा मन लगाकर पढ़ रहा था। 1 साल के बाद उसकी बेटी के लिए शहर से एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, पर उन लोगों के पास ऐसा कुछ अच्छा सेविंग्स नहीं था कि वो लोग अच्छे से शादी करवा सके। पर उस वक्त गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से करवाई, जैसे कि उनके ही घर की बेटी है। और रही बात बेटे की, उसने हाई स्कूल के बोर्ड्स में टॉप किया था। उसके बाद कॉलेज के लिए पैसे नहीं थे, फिर कॉलेज वालों ने उसको फ्री में पढ़ाया कि इतने अच्छे स्टूडेंट को हाथ से कैसे जाने देते। ऐसे ही चलते चलते 2-3 साल बीत गए। अरुण अचानक से एक दिन आके घर पे पहुंच गया। घर वालों की आंखों में एकदम खुशी के आंसू थे। गांव वाले इकट्ठे हो गए और बहुत खुश थे, पर सबके मन में एक ही सवाल था, इतने दिन तक वो था कहाँ। तभी आकर बाबा जी वहां पे पहुंच गए। बाबा जी पूछे अरुण को, अरुण अभी क्या लगता है, क्या किसी के लिए जिंदगी कभी रुकती है? अरुण की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुका था, जिंदगी किसी के भरोसे नहीं चलता, जिंदगी तो चलती है और हमें उसके साथ चलना पड़ता है। ये कहानी से हम ये सीखते हैं, जीवन किसी के बिना बदल तो सकता है पर रुकता नहीं। और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जगन्नाथ।